लक्ष्मी मीडिया वेंचर्स और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल गुप्ता। वॉइस टीवी पर आपका स्वागत है। जनपद मैनपुरी के क्षेत्र में लोगों को झांसे में लेकर एक ढोंगी तांत्रिक कर रहा लोगों की आस्था से खिलवाड़। जी हां, पिछले काफी समय से गद्दी लगाकर लोगों की अनेक बीमारियों का कर रहा है तंत्र मंत्र से इलाज। लाइलाज बीमारियों का भी करता है ये तांत्रिक इलाज। भोले भाले लोगों को अंधविश्वास में लेकर उनसे वसूलता है रुपए। तंत्र क्रिया में मासूमों की बलि तक देने की बात आती है सामने, तो क्या जिला प्रशासन को एक और मासूम की बलि का इंतजार है? देश एवं प्रदेश में कई बार ढोंगी बाबा और तांत्रिकों की कहानियों के किस्से सामने आते रहते हैं, जिसमें ये ढोंगी बाबा क्षेत्र में रहकर यहाँ की भोली भाली जनता को ठगने का काम करते रहते हैं। एक ऐसा ही मामला जनपद मैनपुरी के कुरावली कस्बे के मोहल्ला चेनी से निकलकर सामने आया है, जिसमें छोटे गुरुजी नाम का एक ढोंगी बाबा तंत्र क्रिया के माध्यम से लोगों का सप्ताह के हर बृहस्पतिवार और शनिवार को ये अपनी गद्दी लगाता है, जिसके बाद यहाँ आए हुए क्षेत्र की मासूम जनता को ये ठगने का काम करता है और सैकड़ों की संख्या में लोग इसके यहाँ अपना इलाज कराने के लिए आते हैं। लोगों का कहना है कि यहाँ आकर हमारी समस्याओं का निदान हुआ है। ये ढोंगी बाबा भी कई असाध्य और लाइलाज बीमारियों के इलाज की बात करता है। आज जहाँ हम आसमान से बात करते हैं, आधुनिकीकरण की बात करते हैं, कंप्यूटर के जमाने की बात करते हैं, विज्ञान की बात करते हैं, शिक्षित समाज की बात करते हैं, वहीं जिसके बाद हमारे आसपास जब ये ढोंगी बाबाओं के किस्से सामने आते हैं, तो शायद हमको क्यों नहीं सोचना चाहिए कि हम आज भी कहाँ खड़े हुए हैं। क्या ऐसे बाबाओं के खिलाफ सख्त कार्यवाही जिला प्रशासन के द्वारा नहीं की जानी चाहिए, जो भोली भाली जनता को ठग कर अपनी दुकान चलाते हैं? और आपको बता दें कि ये बाबा आज से 8 साल पहले पल्लेदारी का काम करता था, वहीं आज इसने लोगों को ठग कर लाखों रुपए की संपत्ति कमा ली है। ऐसे लोग मासूम बच्चों की हत्या कर उनकी बलि देने तक को तैयार हो जाते हैं। क्या जिला प्रशासन को क्षेत्र में एक और मासूम की बलि देने का इंतजार है? SDM का इस पूरे मामले पर साफ कहना रहा कि आप लोगों के द्वारा ये पूरा प्रकरण संज्ञान में आया है, हम तत्काल ही इस तांत्रिक के खिलाफ कार्यवाही करेंगे। क्या क्या बीमारी यहाँ भगत जी के पास आई है? किस बीमारी का? हम बहुत परेशान है, दुखी है यार। इस समय कैसी दुखी है? रुपया पैसा है मेरे, एक चिटिया पर न इतना हमारे पर कर्जा। अच्छा, तो उस कर्जे से छुटकारा पाने के लिए आप भगत जी का सहारा ले रही हैं? अब क्या करें महाराज जी, सहारा लेना ही पड़े हमें। कितने सालों से आप आ रही हैं यहाँ पे? हम तो 2-4 साल हो गए। 2-4 सालों से? तो कर्जा कुछ कम हुआ? हमारा जी अब आए हैं, होता है कुछ फायदा हमें मिल हुआ है। नहीं तो कर्जा कितना था पहले? कर्जा कुल तो कर्जा आप कितना रह गया? 40,000 रुपया कर्जा निकल गया, 40-50,000 कर्जा निकल गया। अच्छा, मतलब फायदा है हो रहा है आपको? हाँ, थोड़ा थोड़ा फायदा, दुश्मन मेरे संग ज्यादा है, तेज लगे तो हमें पर चैन नहीं लगन देता है। अब फायदा मिल रहा है? हाँ, फायदा मिल रहा है। बाबा जी क्या नाम है आपका, किस नाम से? छोटे बाबा जी नाम है। किस तरीके का आप, कितने सालों से आप गद्दी लगा रहे हैं और किस तरीके का इलाज? हमको यहाँ पर 18 साल हो गए जी, बाबा की सेवा करते हुए जी। उनका दरबार बन रहा है, सूर्य रह गई उनकी बनने के लिए जी। उनकी सेवा में लगे हुए हैं, भंडारा आने वाला है अगले महीने में। किस किन किन रोगों का आप इलाज कर रहे हैं और कितने सालों से कर रहे हैं? 18 साल से मतलब बाबा की सेवा कर रहे हैं, जनता को मतलब जी पथरी वगैरह की दवा भी देसी दे देते हैं, बिना पैसे कोई पैसा नहीं दिया जा रहा जी। पथरी का इलाज करने के साथ साथ और किन किन बीमारियों का आप इलाज करते हैं? ये बच्चों की खुशी की दवाई, महिलाओं को जो बच्चे खुद से खाने नहीं मिलता उसकी दवाई दे देते हैं, देसी दवाई, रुकनी कोई पैसा नहीं दिया। मतलब जिन महिलाओं के पेट में गर्भ नहीं रुकता है, गर्भ नहीं रुकता है उनके लिए, तो आपकी दवाई से गर्भ रुक जाता है? ज्यादा फायदा लोगों को मिली है, काफी लोगों को जी। तो किसका आप पूजा करते हैं, किस तरीके की सिद्धि आपको किन की है? जारवी महाराज की सेवक है, उनकी सेवा करते हुए आ रहे हैं। अच्छा, तो अच्छा अच्छा, तो किस तरीके का उतारा उतारा होता है, क्या कहते हैं? शनिदेव महाराज को उतारा करते हैं जी, शनिदेव जी। गद्दी सर कितने बजे गद्दी लगाते हैं? क्या 10 बजे सुबह? आप अभी आप हाल फिलहाल में गद्दी लगाएंगे, गद्दी लगा के इलाज करेंगे? एक दिन में कितने मरीजों को देख लेते हैं आप? कितने मरीजों को देख लेते हैं? 60-70 मरीज।
अच्छा, सभी को फायदा मिलता है जो आपके दर पर आता है। हाँ, उसका भला हुआ है तो आप जनता को पूछिए। जी जी, तो बैठे आपके सामने जी, लोग आपको बताएंगे। जी, इसी पर कोई फीस था, कोई पैसा नहीं लिया जाए, जो 10-20 जो चढ़ा जाए उनकी खुशी वो मंदिर में भंडारे में लगा देते हैं।